प्रॉपर्टीज़ की बात करें प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज हमें पता है कि ये जो है जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक सच एज रिजिड पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल कार्बन, डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। तो पीवीसी पाइप वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, देखे हो पीवीसी पाइप, पीवीसी के पाइप नहीं देखा? यस सर देखा है। हाँ वो वही हम लोग चापाकल वगैरह में यूज़ करते हैं या फिर सप्लाई वाले वाटर में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें जंग ईजली नहीं लगता, डू नॉट क्रोड ईजली, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक पाइप्स। इस वजह से इसका हम लोग पाइप बनाते हैं, बॉटल्स बनाते हैं। आप लोग लिख पाओगे क्या 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 बनाते हैं हम लोग प्लास्टिक्स के? फिटिंग्स बनाते हैं। यस सर। चैट बॉक्स में लिखो। वाइल थर्मोसेट सच एज मेलामाइन आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स। अच्छा, मेलामाइन के बारे में पता है? ये एक तरह का थर्मोसेट है। थर्मोसेट का दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, एक था क्या क्या था दो एग्जाम्पल थर्मोसेट का, कौन बताओगे? बेकालाइट एंड मेलामाइन। यस, बेकालाइट एंड मेलामाइन। तो ये मेलामाइन जो थर्मोसेट है जिसका बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं, मेलामाइन के बर्तन देखे हो? यस सर। सर जो सर फाइबर का होता है? नहीं नहीं, फाइबर का नहीं होता, हार्ड होता है, लेकिन दिखा था ये देखो, दिख रहा? यस सर। यस सर। सारे मेलामाइन है। ओके, सो आई सी सम ऑफ यू हैव रिटन आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, बट लेट मी टेक द नेम। सर योर वॉइस इज नॉट विजिबल। अरे वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, शशांक हैज रिटन पाइप बॉटल फिटिंग, पाइप बॉटल फिटिंग। यस, वेरी गुड। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ प्लास्टिक जस्ट बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। तो प्लास्टिक काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं एंड प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मतलब लाइट कहने का मतलब है हल्का है, स्ट्रॉन्ग भी है, और ड्यूरेबल का क्या मतलब कौन बताओगे? ज़्यादा दिन तक चलने, टिकाओ। वेरी टिकाओ। सो प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज बकेट्स। हमारे घर में बकेट्स जो है वो प्लास्टिक के हैं, बाल्टी। यस सर। यस, दे आर ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार। इवन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं कार भी बनाने में। कार में भी बहुत सारे प्लास्टिक्स के पार्ट होते हैं, है ना? यस सर। यस सर। स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, देखो ना, कमाल की बात है ना? यस सर। और एयरक्राफ्ट में भी, क्या मार्स के सैटेलाइट में भी सर हुआ था प्लास्टिक का यूज? हाँ। जब नेक्स्ट है मेलामाइन। सो मेलामाइन ये भी एक तरह से प्लास्टिक में ही आता है, नहीं हार्ड प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक है। इज अ फायर रेसिस्टेंट, ये फायर रेसिस्टेंट भी है, कमाल की बात है, जलता नहीं है जल्दी। दूसरे प्लास्टिक को जलाओ तो गल जाएंगे आसानी से, ये नहीं गलेंगे। क्यों नहीं गलेंगे बोलो तो? क्योंकि ये सर स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक से बने होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज देयर पॉलीमर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स, so they can tolerate heat better than thermoplastic, that is why it is used to make kitchenware and floor tiles। तो floor के tiles बनाने में, kitchen के कुछ कुछ बर्तन बनाने में use करते हैं हम लोग मेलामाइन का, है ना? क्योंकि heat से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ में आया? Yes sir। Yes sir। और भी एक बात है कि that plastic is a poor conductor of heat। प्लास्टिक जो है ना
हीट का पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। मतलब कहने का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट नहीं करता। अब मेलामाइन का अगर कोई बर्तन है जिस पे मैंने चावल निकाल लिया खाने के लिए, अच्छा स्टील के बर्तन में कभी कभी चावल निकाल लो ना तो बर्तन भी गर्म हो जाते हैं, और स्टील का ग्लास में अगर गर्म दूध ले लो, स्टील के ग्लास में गर्म दूध ले लो तो बस ग्लास भी गर्म पकड़ नहीं पाओगे, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन मेलामाइन का अगर बर्तन है तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है, और हमें पता है कि प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ प्लास्टिक कवरिंग, ये तो हमें पता ही है ना, इलेक्ट्रिकल वायर जितने भी हैं सभी में प्लास्टिक के कवरिंग होते हैं। बोलो, ऐसे भी देखोगे कोई भी प्लास्टिक वायर, कोई भी वायर है उसमें कवरिंग जो है प्लास्टिक का ही है, है ना? यू हैव टू सी। नेक्स्ट है बेकेलाइट, ए थर्मोसेट प्लास्टिक। बेकेलाइट थर्मोसेट प्लास्टिक हमें पता है ना, बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में, ये दोनों थर्मोसेट प्लास्टिक हैं। सो अ थर्मोसेट प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेकेलाइट भी पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सो यही वजह है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं बेकेलाइट का, एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर। अब सस्पेंड का जो हैंडल है वो बेकेलाइट का होता है, देखे हो ना? यस सर। और प्लास्टिक का रहेगा तो गर्म होने पे गल जाएगा, लेकिन ये गलता है नहीं, ये हार्ड है और ऊपर से गर्म भी नहीं होता, तो वो बेकेलाइट का हो, ठीक है? सो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन, एंड टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। तो एक स्पेशल प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम लोग माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन देखे हो? यस सर, दिखाता हूँ। उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं लिख के बताओ तो चैट बॉक्स में। तो माइक्रोवेव ओवन जो है क्या करते हैं इसमें हम लोग, बताओ कोई, गर्म करते हैं क्या सामान को? ये देखो, है ना, इसमें कुछ रखे फटाफट गर्म हो जाएगा, नहीं गर्म गर्म समोसे खाएंगे। यस सर। हेलो, ठंडे हो गए तो गर्म हो जाएंगे, पिज़्ज़ा है डाल दो गर्म हो जाएंगे। पिज़्ज़ा वाला हमें जो पहुंचाता है गर्म गर्म रहता है, क्यों? क्योंकि वो पहले इसमें डालेंगे 5 मिनट और फिर निकाल के दे देंगे हम। हमें लगता है अभी भी बना के दिया है, ठीक है ना? तो इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ है उसका क्या नाम है, कौन बताओगे? टेफ्लॉन। यस, वेरी गुड सर। टेफ्लॉन इसमें तो नहीं यूज हुआ है, यानी उसमें स्पेशल प्लास्टिक लगा है। टेफ्लॉन अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल वाटर डू नॉट स्टिक। तो इसमें भी टेफ्लॉन हुआ है, जैसे अभी कभी कभी उसमें लगता है, क्या कहते हैं, देखो दिखाते हैं, जैसे नॉन स्टिकी कुकवेयर में टेफ्लॉन का कवरिंग रहता है, उसमें भी रहता है। जब भी मैंने दिखाया ना, अभी मैंने क्या दिखाया, माइक्रोवेव ओवन दिखाया ना, उसमें भी रहता है अंदर में, ठीक है? और नॉन स्टिक कुकवेयर जो आता है, जैसे कि अभी एक तवा आया हुआ है, देखे हो? यस सर, नॉन स्टिक। हाँ, तो उसमें टेफ्लॉन का कवरिंग है। नॉन स्टिकिंग जो है कुकवेयर, उसमें भी टेफ्लॉन है। दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें क्या नहीं चिपकता है, जैसे भुजिया बना रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं तो इसमें चिपक जाता है। अब उसे छोलने से लेकर के निकालते रहो,
है ना, इस वजह से अब ये नैन स्टिकी बनाया गया कि इसमें चिपकेगा ही नहीं, है ना। इस पे ढोसा भी अच्छा बनता है, हाँ आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तुम डोसा बना लेते हो घर पे? डोसा मम्मी बनाती है। क्या बात है, वाह मजा आ गया। जब कहते होगे तब बना देती होगी मम्मी डोसा? यस सर। क्या बात। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ प्लास्टिक पढ़े अब, ये समझ में आया? कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता प्लास्टिक। मेलामाइन का हम लोग यूज करते हैं, बेकलाइट का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इवन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में हम लोग जाने जिसका नाम क्या है? टेफ्लॉन। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट द यूजेस ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, देयर यूज हैज रिड्यूस्ड आवर डिपेंडेंस ऑन वुड एंड आर यूज फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज। सही बात है, आज हम लोग बहुत कम लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें प्लास्टिक मिल गया है ना। प्लास्टिक का बहुत सारा कुछ बनता है, लगभग सब कुछ बन जाता है नहीं? मुझे लगता है कि प्लास्टिक का पता नहीं क्या नहीं बनता होगा, हर चीज़ तो बनी रहा। प्लास्टिक आर यूज इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी पार्ट्स बनते हैं, फोन्स के भी पार्ट्स बन रहे हैं, टॉयज भी बन रहे हैं, टेलीविजन्स, पेंस, कलम, बॉटल्स, टूथब्रशेस एंड टू पैकेज मिल्क, इवन दूध जो हम लोग पैक कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक में है ना, एंड अदर फूड आइटम्स, दूसरे फूड आइटम्स प्लास्टिक में ही पैक होते हैं। जितने भी फूड आइटम्स हैं देख लो किस में पैक होते हैं? प्लास्टिक में सर, एयर टाइट। इवन प्लास्टिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल लेंसेज में भी। अब जो लेंस यूज़ करते हो तुम लोग, चश्मा पहनते हो, उसमें भी प्लास्टिक का आ गया, क्या बताऊँ। इवन फर्नीचर्स ऑल्सो, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल में तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो प्लास्टिक के हैं, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, बिजली में भी हम लोग है ना यूज़ तो करना ही पड़ेगा, प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो। एक तो ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं है तो हम वायर को बाहर से भी पकड़ पाते हैं, है ना, जबकि बिल्कुल अंदर से वायर गया हुआ है, हमें करंट नहीं लगता। और क्या है कि ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें, ड्यूरेबल एंड हाई क्वालिटी पाइप्स तो जो लंबे समय तक चलते हैं आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अभी पाइपलाइन बिछ रहा था हमारे गाँव पर, गाँव से कितने लोग हों? तो मैं गाँव पर था जब हमारे सीएम के कहने पे सभी के घर तक नल लगाया गया था, तो मैं गांव पे ही था। सो आई हैव सीन, हम जानते हैं सर, हम भी गांव में थे। हाँ, तो मैंने देखा उनका पाइप एक मोटा सा था ब्लू कलर का, और उसमें लिखा हुआ था पीवीसी, अंदर में भी था कुछ, देखे थे? अच्छा, मैंने देखा पीवीसी लिखा हुआ था, सो पॉलीविनाइल कार्बन प्लास्टिक के थे वो, और वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। सो पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल, अभी मोटर व्हीकल के भी पार्ट्स तो प्लास्टिक के बनते हैं, एयरक्राफ्ट तो बताया मैंने, है ना, इवन स्पेस क्राफ्ट अभी बताया किसी ने कि मार्स में गया है ना, आर ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक। सो प्लास्टिक्स वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ नहीं यूज़ हो रहा, हर जगह पे। ये आप दोनों, आप लोगों को करना है, ये दोनों करो। तो अभी मैं देखता हूँ कौन कौन कर लिया। वेरी गुड श्रेया, आयुष, श्रेया अनम्यूट यू कॉल। श्रेया, व्हाई प्लास्टिक्स आर इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग? बट थर्मोसेट्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं हीट करते हैं तो। श्रेया व्हाट इज द रीजन, बोलो श्रेया। थर्मोप्लास्टिक आर मेड अप ऑफ पॉलीमर चेन। यस, थर्मोसेट इज आल्सो मेड अप ऑफ पॉलीमर चेन। श्रेया,
thermosets are also made up of polymer chain. So what is the reason thermoplastics are destroyed by heating, but thermosets do not destroy easily? Shreya, I think she have not understood about the crosslinks, I think. Okay, who will tell me this answer? Okay, Anand Singh. Yes, sir. Thermosets are the polymer joined a strong crosslink which do not break heating. And thermoplastic is made of polymer chain that not a crosslink. That way they melt off heat. Very good, very good, Anand. Well tried and said, well said also. That we are knowing that the thermosets and thermoplastics, both are plastic actually. Both are made up of polymer, but in the case of thermoset ke jo polymer hai, in that crosslinks are available. Crosslinks. Ab koi kahega sir crosslinks kya hai? Maine dikhaya tha na crosslinks. Yes sir. Polymer jaise. Yes sir. Jaise do polymer. Yes sir. Ek ye polymer chain aur dusra ye polymer chain. To in dono ke beech mein crosslink agar hai, to ye strong zyada ho gaya na. अब एक और पॉलीमर चेन है, ऐसे है, दूसरा ऐसे है, बीच में क्रॉस लिंक है ही नहीं, तो ये तो कमज़ोर हो गया है ना, ये पूरा yes, ये हार्ड हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं, ये लुचपुच रहेगा, हिलता रहेगा, है ना, बोलो. यस सर. यस सर. सो दैट इज़ द रीज़न. नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे आगे, तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कि इसके बारे में जानेंगे कि प्लास्टिक से हमें क्या क्या नुकसान भी है, हालांकि बेनिफिट्स तो पड़े, थोड़ा बहुत नुकसान पड़ेंगे. देन वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर. सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टू डू दिस इन योर एक्सरसाइज कॉपी. ठीक है, बाकी मैं डिस्कस तो करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस. एंड रिविज़न में हमारा ये तीन चैप्टर रहेगा रिविज़न में, है ना, जो भी शुरू होने वाला है, ये तीसरा चैप्टर भी इंक्लूडेड रहेगा. ओके. यस सर. Okay, so let us see very fast what we have studied today. We have studied about this thermoset and thermoplastics. ठीक है, thermosets में यहाँ पर देखो, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, यहाँ पर crosslinks दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं सभी को? Yes sir. Yes sir. I can't hear it say loudly. दिख रहा है ये? Yes sir. Yes sir. Okay. So that is the only reason कि they are very hard. कई बार क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके पूछ सकते हैं, बट हमें ये कंसेप्ट हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, ये जो पॉलीमर्स हैं इनके बीच में क्रॉसली लिंक्ड हैं, सो दैट इज़ द ओनली रीज़न ना. बट हेयर इफ यू सी इन द केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक नो क्रॉस लिंक इज सीन. कैन यू सी एनी क्रॉस लिंक हियर? नो सर. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर सॉफ्ट इनफ. ओके. We have also studied about the differences between the thermosets and thermoplastics. Even we are knowing about the different properties of plastic, as where we use plastics, even we seen. And in the next class, we will be knowing about the plastic and environment.